नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के जी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HPCL रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि जारी किया गया है HPCL के द्वारा। इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि क्या इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, कितने फ़ी हैं, क्या है। वैसे तो आपको दिख ही रहा है एग्ज़ाम फीस में लग नहीं रहा है, बाकी जितना जितना एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, क्या क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है, एज, वो सारा डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के उस बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये नोटिफिकेशन HPCL के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड करके खुद से नोटिफिकेशन देख सकते हो। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको सारा कुछ डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ। ये रिक्रूटमेंट जो है नॉन मैनेजमेंट पोजीशन के लिए किया गया है, नॉन मैनेजमेंट पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। ठीक है, इसमें छः से सात पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाला गया है। मैं उस सारे बारे में बताऊँगा एक एक करके, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि इसका फॉर्म भराने का जो ऑनलाइन स्टार्ट है, एप्लीकेशन कब से भर सकते हैं, वो आप 1/10/2018 यानी आप फॉर्म अभी से भर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन चालू हो चुका है। ठीक है, अब है इसका लास्ट डेट 31st ऑफ दिस मंथ है। ठीक है, 31/10/2018 इस मंथ के 31 तारीख तक इसका लास्ट डेट है। आप एक से यानी आज से 31 तारीख तक के बीच में कभी भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए किस किस पोस्ट के लिए है। पहला पोस्ट तो हमारा है असिस्टेंट प्रोसेस टेक्नीशियन। ठीक है, इसके लिए आपको क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए क्या है, आपको 60% का आपका एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स होना चाहिए BSc में। ठीक है, वो आपका केमिस्ट्री ऑनर्स होना ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास BSc की डिग्री नहीं है और आप डिप्लोमा किए हुए हैं, डिप्लोमा में अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर उसमें आपका 60% आया हुआ है तो। या फिर 50% एग्रीगेट मार्क्स ST SC और PWD स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, मिनिमम जो मार्क्स है 50% ST SC और PW फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए है। अब बात करते हैं कितने पोस्ट की है, तो इसमें UR की है 41 पोस्ट। ठीक है, SC के लिए एक पोस्ट, ST के लिए 7 पोस्ट, UOBC के लिए 20 पोस्ट और ST के बैकलॉग जो वैकेंसी है उसमें ST की 4 वैकेंसी है। मीन्स टोटल 67 वैकेंसीज की रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट प्रोसेस टेक्नीशियन के लिए। अब बात करते हैं दूसरे पोस्ट के लिए, तो दूसरा पोस्ट है हमारा असिस्टेंट बॉयलर टेक्नीशियन। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आपको SSC यानी आपका 12th होना चाहिए, साथ ही साथ फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंस का ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। फर्स्ट क्लास बॉयलर आपका अगर सर्टिफिकेट है और आपने 12th किया हुआ है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पोस्ट है हमारा असिस्टेंट लेबोरेटरी एनालिस्ट। इसके लिए क्या है, आपको 60% वही चीज़ है जो आपका फर्स्ट पोस्ट में था, यानी असिस्टेंट प्रोसेस टेक्नीशियन के लिए था, वही चीज़ इसमें भी है। इसमें आपका क्या होना चाहिए, 60% BSc में होना चाहिए केमिस्ट्री ऑनर्स में, या फिर आपका 50% होना चाहिए आपका डिप्लोमा, ये सॉरी 50% होना चाहिए ST SC और PWD स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ पोस्ट की, तो ये हमारा असिस्टेंट मेंटेनेंस टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए है। इसमें क्या है कि आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से विथ 60% मार्क्स। ठीक है, और 50% जो होता है ST SC के लिए दिया हो गया है छूट। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है हमारा 7 पोस्ट दिया गया है। ठीक है, उसी में नीचे ये पांचवा पोस्ट है हमारा असिस्टेंट मेंटेनेंस टेक्नीशियन जो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है, उसके लिए भी आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ब्रांच में आपका ये डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए भी 7 पोस्ट की वैकेंसी है। अब बात करते हैं हमारा छठा पोस्ट की, तो वो है हमारा असिस्टेंट मेंटेनेंस टेक्नीशियन मैकेनिकल। इसमें आपका क्या है, 60% आपका होना चाहिए, सॉरी 60% मार्क्स होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, उसके बाद इसमें सीट्स है 28, UR के लिए है 3, ST के लिए 2, SC के लिए 9, OBC के लिए और 9 सीट बैकलॉग वाले के हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट हमारा फायर ऑपरेटर के लिए, तो फायर ऑपरेटर के लिए क्या होना चाहिए, आपका इंटरमीडिएट होना मस्ट है। ठीक है, उसके साथ साथ 12th में आपका साइंस होना चाहिए, उसके साथ आपका एक चीज़ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो है आपका फायर फाइटिंग का सर्टिफिकेट कोर्स किया होगा, सब सर्टिफिकेट आपका होना बहुत मस्ट है, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
और आपका एक हैवी व्हीकल लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का भी आपका एक ये चीज़ आपका मस्ट है फायर ऑपरेटर के लिए। ये आपका हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना आपका मस्ट है, ठीक है। तो टोटल आप देख सकते हैं कितना पोस्ट है आपका, 73 प्लस 5 प्लस 10 30, ये आप टोटल ऐड करके देख सकते हो। ये सारे पोस्ट टोटल हैं आपके, ठीक है। ये आपका टोटल पोस्ट दिया हुआ है, मीन्स अच्छी खासी वैकेंसीज आई हुई है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कोई एग्जामिनेशन फ़ी भी नहीं है, मैं आपको बता दूँ इसमें एग्जामिनेशन जो फ़ी है वो हमारा फ़ी 0 है, ठीक है। फ़ी मेरा 0 है, कुछ नहीं है, नील फी है। आप इसे अप्लाई कर सकते हैं फ्री में, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें क्या सबसे, इसमें नोट में दिया गया है कि आपका कोई डिस्टेंस में, जो डिस्टेंस के द्वारा बहुत कोई डिप्लोमा करते हैं या फिर कोई कोर्स करते हैं वो इसमें आपका एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ये सारा आपका सारा कोर्स आपका ये होना चाहिए, फुल टाइम होना चाहिए, ठीक है। और दिया हुआ है कैंडिडेट्स पोजेसिंग हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज MIB, MBSC, LLB और सच इक्विपमेंट वो शैल नॉट बी एलिजिबल, मतलब जो जिसके पास हायर क्वालिफिकेशन वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम, ये तो मैं आपको बता दिया हूँ कि आपको क्या 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 का पोस्ट है। अब इसमें आपको पोस्ट के बारे में सब कुछ दिया हुआ है कि उसमें क्या क्या काम आपका होगा, फुल डिस्क्रिप्शन आपका पोजीशन को जो है उसमें काम के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप खुद से पढ़ लेना आप, ठीक है। ये सारा कुछ दिया हुआ है असिस्टेंट प्रोसेस टेक्नीशियन के लिए, उसी प्रकार सारे के लिए दिया हुआ। अगर मैं ये सारा बताना हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस कारण मैं आपको बस रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पढ़ ले खुद से डाउनलोड करके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की। एज क्राइटेरिया मिनिमम हमारा होना चाहिए 18 ईयर्स, ठीक है, और मैक्सिमम 25 ईयर्स, मीन्स 18 टू 25 ईयर्स के एज के कैंडिडेट्स इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कि सिलेक्शन प्रोसेस है कि इसके लिए आपको CBT टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें आपको टेक्निकल पेपर और एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो कि आपका मुंबई में कंडक्ट किया जाएगा। ये चीज़ एक है कि आपको अगर आप मुंबई से नज़दीक में रहते तभी आपके लिए अच्छी बात है, या फिर या नहीं तो आप अगर यहाँ से जाना चाहते हैं नॉर्दर्न स्टेट से तो फिर अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपका पैकेज कितना है और क्या है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसमें आपका 47,800 पर मंथ का आपको सैलरी मिला जाएगा, जो कि CTC या कॉस्ट टू कंपनी, इसमें सारे कुछ आपका इंक्लूड किया रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें एग्जामिनेशन फ़ी, तो मैंने आपको पहले बताया एग्जामिनेशन फ़ी तो लगेगा नहीं आपका, ठीक है। आपको अप्लाई का कैसे करना है, तो आपको अप्लाई करने के लिए क्या हुआ कि आपको एक मैं अप्लाई करने का भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। ये अप्लाई करने का लिंक है, यहाँ पे आप जाके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस वो दूसरा मेथड अप्लाई करने का नहीं है, बस ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके क्या उसके बाद क्या है, क्या है कि चेकलिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इज लिस्टेड एंड एंड ऑफ द एडवर्टीजमेंट, दिस डॉक्यूमेंट स्कैन इन PDF में, सारे आपको PDF में कन्वर्ट, जो कि इसका साइज 1 MB से कम होगा, वो सारे कुछ अपलोड करना है। अब बात करते हैं कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो आपको एक 12 डिजिट का एप्लीकेशन नंबर मिलेगा जो कि आपके स्क्रीन में शो करेगा, आप उसे नोट डाउन कर लीजिए, वो आपका फर्दर में यूज होगा, फर्दर कुछ प्रोसेस में, ठीक है। जो इसमें दिया हुआ है कि हार्ड कॉपी सबमिट नहीं होगा, हार्ड कॉपी भेजना नहीं है, अगर हार्ड कॉपी भेजते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर कुछ है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मैं वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, मैं दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस नोटिफिकेशन के बारे में पता चले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।